ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में महानदी साहित्य उत्सव में शामिल हुए। संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जैन प्रतिष्ठान महोत्सव में हिस्सा लिया है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के पीयूष गोयल। गुजरात से भूपेंद्र पटेल ने सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने रैली की है। शुभेंदु अधिकारी ने रैली को संबोधित भी किया। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर एक्टिव मोड में चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भेजा है। नोटिस देकर आयोग ने मांगा जवाब। दोनों ही पार्टी पर धर्म जाति समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा था। चुनाव आयोग ने जारी की एक और अधिसूचना। चुनाव आयोग ने छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी की। आगामी चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। बीएसपी नेता और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने दिया बेतुका बयान। आकाश आनंद ने बीजेपी को बताया आतंकवादी। बीजेपी पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आकाश आनंद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। भड़काऊ बयान देने के आरोप में पुलिस ने इस बयान को हिंसा भड़काने जैसा बताया है। पुलिस ने धारा 171 सी, 153 बी, 188, 505 के तहत तथा धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया। आकाश आनंद के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी ने आकाश के बयान पर बीएसपी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बीएसपी नेता आकाश आनंद को चेतावनी दी। कहा, जो जैसा दे रहे हैं बयान उन्हें चुनाव में वैसा ही मिलेगा परिणाम। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में विधायक अभय सिंह ने धनंजय सिंह को लेकर बोला बड़ा हमला। कहा, धनंजय सिंह हमेशा क्षत्रियों के खिलाफ रखे हैं, कभी किसी ठाकुर नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथ ही कहा कि सनातन की बुराई करने वालों के साथ नहीं है। जो वर्तमान प्रत्याशी बसपा की हैं, इनके प्रति हमेशा क्षत्रियों को नुकसान ही किए। क्षत्रियों कोई और लीडरशिप डेवलप हो इनके अलावा, ये क्षत्रिय लीडरशिप अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपना बंधुआ बना के रखना चाहते हैं। जहां भगवान राम का सम्मान नहीं, वहां नहीं। गुजरात के अरवली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बूथ सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पाटिल ने कांग्रेस को हारने वाली पार्टी बताया, साथ ही जनसभा में मोदी सरकार के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। मिशन 400 पार अभियान में जुटे पीएम मोदी आज कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र में भी जनता के बीच होंगे। दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित कर पीएम मोदी जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाइयों बहनों, 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटक ने, यहाँ की माताओं बहनों ने, यहाँ के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान। भाइयों बहनों, 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटक ने, यहाँ की माताओं बहनों ने, यहाँ के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है। 4 जून को पूरे कर्नाटका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है। नेहा को उस बेटी का क्या गुनाह था, और उसके पिता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती।
24 के चुनावी संग्राम में हर तरफ दाव और वादों की गर्जना सुनाई दे रही है। पीएम मोदी मिशन दक्षिण के मजबूत इरादे के साथ कर्नाटक दौरे पर हैं। जनता के भरोसे के दम पर एनडीए 400 पार और मोदी तीसरी पारी की हुंकार भर रहे हैं। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम का आज दूसरा दिन है। कर्नाटक में पीएम आज दो जगहों पर जनता के बीच पहुंचेंगे। बागलकोटे और सोलापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सतारा और पुणे में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। चुनावी प्रचार अभियान के सुपर संडे में पीएम मोदी कर्नाटक में ही थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। राहुल गांधी के विवादित बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया और बताया कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ रही है। शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ और दावणगेरे में सभाएं की। यहां कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक को पीछे ले जा रही है। मोदी 24 घंटे काम करता है, बिना रुके बिना थके, लेकिन कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है। बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटक के विकास के लिए जितना काम किया, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर टू एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर टू को कैसे मारेगा, वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचाने के लिए, ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। पीएम मोदी मजबूत सरकार के दावे और आत्मविश्वास के दम पर विकास की गारंटी दे रहे हैं और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटक ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है। साथियों, पूरी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि 7 मई को कुछ तो ऐसा हो ताकि कम से कम एक खाता तो खुल जाए। एक तरफ फुल कॉन्फिडेंस, 400 पार का नारा, मोदी हैट्रिक का दावा, तो दूसरी तरफ विपक्षों की रैली और जनसभा। चाहे कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो या फिर डीएमके, शिकायतों से भरा पिटारा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। नोएडा में बीच सड़क पर 4 लड़कियां आपस में भिड़ गई। लड़कियों की नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सभी लड़कियों को थाने भी बुलाया। पूछताछ में लड़कियों ने अपने आप को नाबालिग बताया, जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी देते हुए सभी को छोड़ दिया, लेकिन उनकी नोकझोंक का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऑमलेट नहीं, तहलका।